हेलो व्यूवर्स, क्रिकेट फैक्शन में मैं हूं आमिर जफर। अबू धाबी T10 का पांचवां सीजन जो कि 19 नवंबर से शुरू होगा, उसके लिए तमाम टीमों ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। आइए जानते हैं कि दिल्ली बुल्स के स्क्वाड में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं। स्क्वाड में सबसे पहले शामिल हैं इंग्लैंड के एक्सप्लोसिव ओपनिंग बैट्समैन जेसन रॉय, जो कि इस स्क्वाड के आइकन प्लेयर भी होंगे। फिर शामिल हैं इंग्लिश टीम के कप्तान लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन इयान मॉर्गन। फिर शामिल हैं वेस्ट इंडीज के स्टार ऑलराउंडर ड्वाइने ब्रावो। फिर शामिल किया गया है वेस्ट इंडीज के राइट आर्म फास्ट बॉलर रवि रामपाल को। इसके बाद स्क्वाड का हिस्सा है इंग्लैंड के लेग स्पिनर आदिल रशीद। फिर शामिल हैं वेस्ट इंडीज के लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन शरफेन रदरफोर्ड। उसके बाद शामिल किया गया है साउथ अफ्रीका के लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन रिली रूसफ को। इसके बाद शामिल हैं वेस्ट इंडीज से ताल्लुक रखने वाले लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर डोमिनिक ड्रेक्स। इसके बाद शामिल हैं अफगानिस्तान के राइट हैंडेड विकेट कीपर बैट्समैन रहमानुल्ला गुरबाज। इसके बाद स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है वेस्ट इंडीज के राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर रोमारियो शेफर्ड को। फिर शामिल हैं पाकिस्तान के राइट हैंडेड बैट्समैन सोहेब मकसूद। फिर स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है यूएई के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर शिराज अहमद को। इसके बाद शामिल हैं यूएई के राइट हैंडेड बैट्समैन हफीजुर रहमान। फिर स्क्वाड में शामिल हैं वेस्टइंडीज के राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर नीम यंग। इसके बाद स्क्वाड का हिस्सा है अफगानिस्तान के लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर फजल हक फारूकी। इसके बाद स्क्वाड का हिस्सा है वेस्ट इंडीज के स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स करवाने वाले स्पिनर अकील हुसैन। और सबसे आखिर में स्क्वाड में शामिल हैं वेस्ट इंडीज के राइट हैंडेड विकेट कीपर बैट्समैन डिवॉन थॉमस।